हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हरियंका डायनेस्टी। स्टूडेंट्स, ये वो टाइम पीरियड है जिसको आप कह सकते हो प्री मौर्यन एरा। बेसिकली हरियंका डायनेस्टी की शुरुआत होती है जब हमने पढ़ा था कि महाजनपदास बने थे। तो महाजनपदा का मतलब क्या होता है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। महाजनपदा मतलब कि इंडिया में जो बड़ी रिपब्लिक स्टेट थी, तो वो रिपब्लिक स्टेट्स को महाजनपदा कहा जाता था। जैसे आज भी आप बहुत सारे इंडिया में ऐसी स्टेट्स और उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको जनपद कहा जाता है। तो जनपद वर्ड मतलब डिस्ट्रिक्ट। तो ये जनपद वर्ड कहाँ से आया, ये जनपदास से आया। महाजनपदास जो है एंशियंट टाइम में कहा जाता था। तो स्टूडेंट्स, ये एंशियंट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि आगे हम पढ़ेंगे मौर्य काल से पहले का समय, ठीक है। मौर्य एम्पायर शुरू होने से पहले इंडिया में कैसी सिचुएशन थी, ठीक है, कैसे रूलर्स जो हैं वो रूल कर रहे थे, और कैसे उस टाइम पे आप ये कह सकते हो कि बहुत बड़े लेवल पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, सॉवरेन स्टेट्स थी, ठीक है जी। जहाँ पे अगर रिपब्लिक की बात हो रही है स्टूडेंट्स, रिपब्लिक मीन्स एक गणतंत्र राज, एक ऐसा राज जहाँ पर कि लोगों के लिए, जो रूलर हैं लोगों के लिए सोच रहे हैं और लोगों द्वारा चुने गए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी में इस डायनेस्टी का जो पहला रूलर था उसका नाम था बिंबिसार। कन्फ्यूज़ मत होना, एक राजा बिंदुसार भी आएगा। बिंदुसार जो होगा ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होगा, और ये बिंबिसार है। बहुत बार बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ नहीं होना। हरियंका डायनेस्टी कौन था भाई फाउंडर? बिंबिसारा, ठीक है। अब ये जो बिंबिसार था, ये आप कह सकते हो एक इंडिपेंडेंट रूलर था, ठीक है। और बिंबिसार जो था, दे बिल्ड द कैपिटल सिटी राजगीर। राजगीर जो है, जो इसने बिहार वाला जो रीजन है ना आज की डेट में, उस प्लेस पे, बिहार वाले रीजन पे, मतलब ईस्टर्न इंडिया वाली साइड में इसने अपनी कैपिटल बनाई थी राजगीर, विद सराउंडेड बाय 5 हिल्स ओपन विद वेरी क्लोज्ड स्टोन वॉल। कहते जी, इसका जो एम्पायर था ना, इसका जो पूरा का पूरा एम्पायर था, इसका इसकी जो टेरिटरी थी, वो 5 बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, राजगीर माउंटेन्स, 5 बड़ी पहाड़ियों के बीच में, जो आप कह सकते हो नीचे प्लेन एरिया है, वो इसका सारा टेरिटोरियल एरिया था। और जो इसका द्वार, इसके आप कह सकते हो इसके एम्पायर का जो द्वार था, जो यहाँ को मुख ओपन होता था, वो इट वाज क्लोज्ड विद अ स्टोन वॉल्स। तो मतलब कि बड़ी बड़ी नेचुरल चट्टानों से जो है वो बना हुआ था, ढका हुआ था। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि इसका अपना एक सॉवरेन स्टेट था। सॉवरेन स्टेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि एक ऐसी टेरिटरी जहाँ पर कोई दूसरी स्टेट से उसको हेल्प नहीं लेनी पड़ रही, ठीक है, जहाँ पर वो अपनी स्टेट को खुद चला रहा है। जैसे इंडिया इज़ अ सॉवरेन स्टेट, ठीक है, इंडिया को कोई दूसरी कंट्री तो नहीं चला रही, ठीक है। और वर्ल्ड लेवल पे हम कंट्रीज़ को स्टेट्स के नाम से भी संबोधित करते हैं, स्टेट कह के भी बुलाते हैं, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे कंफ्यूज नहीं होना आपने। सो स्टूडेंट्स, ही वाज अ कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा एंड महावीरा। जो महावीरा जी थे और गौतम बुद्ध जी थे, ठीक है, गौतम बुद्ध भगवान और महावीरा भगवान जो थे, महावीरा जी जैनिज्म के गुरु हुए हैं, जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर हुए हैं, और गौतम बुद्ध जी बुद्ध धर्म के अनुयायी हुए हैं। तो ये कंटेम्पररी था गौतम बुद्ध जी का और महावीरा जी का। कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कंटेम्पररी मतलब समकाली। समकाली मतलब उस समय के दौरान, उस काल के दौरान, ठीक है। तो जो हरियंका डायनेस्टी का बिंबिसार था, ये क्या था? कंटेम्पररी था। किसका? गौतम बुद्धा का और महावीरा का, ठीक है। कंटेम्पररी था, उनके समय के दौरान था, मतलब जिस समय पे गौतम बुद्ध जी, महावीरा जी जीवित थे, तो उस टाइम पे ये भी प्रेजेंट था, उस समय पे ये भी जीवित था धरती पे, ठीक है, ये कह सकते हो आप। ही डिफीटेड अंग किंग ब्रह्मदत्त। अंग नरेश का जो राजा था, ठीक है, अंग नरेश, अंग किंग, अंग स्टेट का जो रूलर था, उसका नाम था ब्रह्मदत्त, ठीक है, ब्रह्मदत्त, एंड स्ट्रेंथिंग द ओनिंग पोजिशन विद द मैट्रीमोनियल अलायंस। कहते जी, इसने अंग नरेश के राजा को,
अंग प्रदेश के राजा को ब्रह्मदत्त को हराया और उसके बाद अपनी जो पावर है उसको एनहांस किया, इंक्रीज किया विद मैट्रीमोनियल अलायंस। विद मैट्रीमोनियल अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, मतलब पहला कोई ऐसा राजा हो रहा है, देखो एंशियंट टाइम का कितने हजार साल पुरानी बात हो रही है, और जो अपनी पावर को एनहांस करने के बारे में सोच रहा है कैसे, थ्रू मैट्रीमोनियल अलायंस, मतलब कि कोई दूसरी स्टेट के पावरफुल रूलर की डॉटर से मैरिज करके ये अपनी पावर इंक्रीज कर रहा है। अगर इसको कल को वॉर में जाना है तो ये जिसकी डॉटर से इसने मैरिज किया वो बंदा अपनी फोर्स भेजेगा, वो बंदा अपनी सेना को भेजेगा कि जाओ जवाई राज को हेल्प करके आओ, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैट्रीमोनियल अलायंस से जो है अपनी पावर इन्हांस कर रहा था। इसकी तीन वाइफ जो थी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, इसकी जो तीन पत्नियां थी, तीन शादियां थी इसकी, कहाँ से बिलोंग करती थी, रॉयल फैमिली से। कौन सी रॉयल फैमिली से, एक कौशाला, कौशाला भी महाजनपदा थी, कौशाला की रानी थी महाकौशाला देवी, महाकौशाला देवी के साथ इसकी मैरिज हुई थी, ठीक है। दूसरी लिच्छवी स्टेट की प्रिंसेस थी, लिच्छवी भी बहुत आप कह सकते हो एक प्रॉस्परस रॉयल फैमिली स्टेट थी, ठीक है। लिच्छवी प्रिंसेस थी चेलना, उससे मैरिज हुई थी। एंड मद्रा क्लैन पंजाब रीजन में, मद्र जो था एक अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेट था, उसकी रानी थी खीमा, ठीक है। तो महाकौशाला देवी, चेलना एंड खीमा, ये इसकी वाइफ्स के नेम है, ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिक पॉइंट है। तो क्वेश्चन अगर बनता है तो यही पूछा जाएगा, इसकी वाइफ्स के नेम एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा ऐसा पहला एंशियंट टाइम में रूलर था, ठीक है, प्री मॉडर्न हिस्ट्री, प्री मॉडर्न इतिहास से भी पहले, जिसने मैट्रिमोनियल अलायंस से अपनी पावर्स इंक्रीज की थी। आंसर इज बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार की कैपिटल कहाँ थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। बिंबिसार कंटेम्प्रेरी किसका था, या गौतम बुद्ध जी और महावीरा जी के टाइम पे कौन सा रूलर कंटेम्प्रेरी था उनके, ठीक है। तो आंसर इज बिंबिसार, ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, बिंबिसार के बाद, उसकी डेथ के बाद अगला राजा बनता है अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने ही पिता को मार के, अजातशत्रु बिंबिसार को मार के खुद नेक्स्ट गद्दी पर बैठ जाता है, अपने आप को राजा डिक्लेयर कर देता है। तो स्टूडेंट्स पुराने समय पे ऐसे होता था, पहले कौन सा कि कोई लॉ होता था या कोई कॉन्स्टिट्यूशन था या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ करता था जो सबको शपथ दिलवाएगा, कोई बंदा प्रधानमंत्री बन रहा है या गवर्नर बन रहा है उसको शपथ दिलवा रहा है भाई ये अभी स्टेट का गवर्नर है। पहले क्या होता था, जो भी पर्सन किसी किंग या रूलर को मार देता था अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर रूलर घोषित कर देता था। अजात शत्रु जो था 492 BC से लेके 460 BC के बीच में रूल करता है, ठीक है जी, टाइम पीरियड उल्टा चल रहा है, 492 BC से 460 BC बिफोर क्राइस्ट, मतलब लगभग जीसस क्राइस्ट के 492 साल पहले से लेके उनके जन्म से 460 साल पहले तक जो है किसका रूल था उस टाइम पे, अजातशत्रु का, इंडिपेंडेंट स्टेट पे अपनी, ठीक है। सन ऑफ चेलना एंड अजातशत्रु, ठीक है जी, सन ऑफ चेलना एंड बिंबिसार आएगा, बिंबिसार, चेलना और बिंबिसार का बेटा था जी अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु जो है इसने अपने ही पिता को मार के, ठीक है, बिंबिसार को मार के खुद अपना रूल स्थापित किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही पैटर्नाइज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धा डाइड इन हिज रेन। इसने अपने समय पे पहली जो आप कह सकते हो जो बुद्ध काउंसिल हुई थी, जो बुद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए पहली बुद्ध महासभा हुई थी आप ये कह सकते हो स्टूडेंट्स, तो वो किसके टाइम पे हुई थी, अजात शत्रु के टाइम पे, ठीक है। अजात शत्रु जो था सन ऑफ चेलना एंड बिंबिसार, और ही पैटर्नाइज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, और गौतम बुद्ध जी की डेथ भी आप कह सकते हो इसके समय के दौरान, इसके रेन के, रेन मीन्स उसका काल, उसके समय पे, ठीक है, गौतम बुद्ध जी की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है उदाइन। उदाइन वाज अ सन एंड सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु। अब ये जो उदाइन है ये अगला रूलर बन रहा है हर्यंका डायनेस्टी का। उदाइन कौन था, उदाइन जो था ये सन था और सक्सेसर था अजातशत्रु का, मतलब अजातशत्रु का बेटा होता है और नेक्स्ट रूलर बनता है। तो जो उदाइन था इसने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र कर ली थी,
ठीक है जी। आज की डेट में स्टूडेंट्स पाटलिपुत्र जो है वो बिहार वाले रीजन में ही उस टाइम पे हुआ करती थी। आज की डेट में जहाँ पे आप कह सकते हो यूपी और बिहार के बीच का रीजन, प्रॉपर आप कह सकते हो बिहार वाला रीजन भी आप कह सकते हो, तो तब वो पाटलिपुत्र हुआ करता था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए हैं हरिंक्या डायनेस्टी से। ठीक है, हरिंक्या डायनेस्टी के बाद आगे और डायनेस्टीज अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो प्री मौर्यन, जो मौर्य साम्राज्य से पहले पहले भारत में आई थी। ठीक है, काला अशोका के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पहले आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो, आपको समझ में आ गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। टेक योर टाइम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज शिशुनाग डायनेस्टी। सो स्टूडेंट, शिशुनाग कौन था जी? शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वॉज द मिनिस्टर ऑफ नागदासक एंड वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल। इलेक्टेड बाय द पीपल मतलब लोगों के द्वारा चुना जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर बात हो रही है एक रिपब्लिक स्टेट की। तो स्टूडेंट्स, हमें इससे ये पता चलता है कि हमारे एंशंट इंडिया के टाइम से ही रिपब्लिक स्टेट्स डेवलप थी। एंशंट इंडिया के टाइम से ही जो राजा था वो लोगों के द्वारा चुना जा रहा था। ठीक है, तो उससे ये हमें पता चल जाता है। सो मिनिस्टर ऑफ नागदासक था। ठीक है जी, शिशुनाग डायनेस्टी अपनी शुरू करता है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती। आप ये कह सकते हो कि शिशुनाग ने अपनी डायनेस्टी चलाई थी, फिर इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। ठीक है जी, वैशाली। देन उसके बाद नेक्स्ट रूलर था काला अशोका। ठीक है, काला अशोका, अशोका से मत कंपेयर करना, ठीक है, ये अलग रूलर है काला अशोका। ही सक्सीडेड बाय शिशुनाग। काला अशोका में से एक ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? वैशाली में, आज की डेट में बिहार में आई ये जगह। ठीक है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। और जब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई तो उसका, बुद्धिस्ट काउंसिल का हेड कौन था? सबाकमी। ठीक है, सबाकमी जो था, सबाकमी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस काउंसिल। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुई थी? काला अशोका के टाइम पे। काला अशोका के टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। किस ईयर हुई थी? 383 BC में। और तब कौन था बुद्धिस्ट काउंसिल का हेड? सबाकमी। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, इसके बाद आई थी नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी जो थी स्टूडेंट्स, नंद साम्राज्य बहुत बड़ा था। नंदा डायनेस्टी जो थी वो किसने शुरू की थी? महापद्म नंदा। महापद्म नंदा जो थे, ठीक है, नंदा डायनेस्टी के रूलर थे, फर्स्ट फाउंडर थे। महापद्म नंदा के टाइम पे ऐसा कहा जाता था, एक रथ एक छत्र, मतलब कि एक सॉवरेन रूल, एक आप कह सकते हो कि एक सॉवरेन स्टेट और एक रिपब्लिक स्टेट जो है डेवलप की थी इसने, महापद्म नंदा ने। तो जो महापद्म नंदा थे इसके टाइम पे आप ये कह सकते हो कि इतना बड़ा नंद डायनेस्टी का एम्पायर फैल चुका था, नंदाज का एम्पायर, कि उस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि इसके पास लार्जेस्ट आर्मी थी, लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी, एक सॉवरेनिटी मेंटेन करके रखी हुई थी। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। सॉवरेनिटी, सॉवरेन वर्ड का मतलब होता है अपनी प्रभु सत्ता कायम करना, मतलब कि अपनी एक ऐसी इमेज, हमें किसी दूसरे के ऊपर नहीं डिपेंड रहना। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट रूल। ठीक है, तो अब इतना बड़ा एम्पायर है जिसके पास इतनी बड़ी लार्जेस्ट उस टाइम पर आर्मी थी, अच्छी आर्मी मेंटेन करके रखी हुई है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, तो मींस उस टर्म के लिए यूज़ किया गया एक रथ एक छत्र। क्लियर? तो फाउंडेड नंदा डायनेस्टी बाय महापद्म नंदा, फाउंडर था, लेकिन जो इसका लास्ट रूलर था, लास्ट रूलर वाज धनानंद। ठीक है जी, सो ऐसा भी कहा जाता है कि जो नंदा डायनेस्टी के रूलर थे, दे वर द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर इन इंडियन हिस्ट्री, मतलब कि नंद वंश, नंदाज एम्पायर इतना बड़ा फैल चुका था, इंडिया के जो 16 महाजनपदास थे, 16 में से मिनिमम 12 जनपदास पे आप ये कह सकते हो नंदा डायनेस्टी का कंट्रोल था। और जो नंदाज की कैपिटल थी वो मगध हुआ करती थी।
ठीक है जी। तो मगध अपने आप में सबसे बड़ी स्टेट थी इंडिया की। इसके अलावा लगभग लगभग सारे इंडिया के ऊपर कंट्रोल जो था वो नंदाज का चल रहा था। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस टाइम पे पूरा एम्पायर बिल्डिंग जो था एंशियंट हिस्ट्री में किसने शुरुआत कर दी थी? नंदा डायनेस्टी ने। फाउंडर कौन था? महापद्म नंदा। लास्ट रूलर कौन था? धनानंद। स्टूडेंट्स, महापद्म नंदा के बाद उसके 8 सन आगे जो सक्सेसर 8 पीढ़ियाँ आती हैं, और जो सबसे आखिरी रूलर था वो था धनानंद। ठीक है जी। जो राजा धनानंद था इसको अपने एम्पायर पे बहुत ज़्यादा घमंड हो चुका था। धनानंद के पास ऐसा कहा जाता है कि इतनी बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट आर्मी थी, इतना ज़्यादा वेल्थीएस्ट रूलर था उस टाइम स्टेट का, कि कोई भी छोटे मोटे रूलर उससे लड़ाई नहीं करते थे। सब रूलर्स उसकी सॉवरेनिटी को, उसकी प्रभुसत्ता को सबसे सुपीरियर, सबसे ऊपर रखते थे। और कहते जी एक बार जब चाणक्य उसके पास जाते हैं, ठीक है, तो चाणक्य को अपने दरबार में से, कोर्ट में से बेइज्जत करके निकाल देता है। ठीक है, तो चाणक्य जो थे वो एक ब्राह्मण थे। तो जब देखता है, चाणक्य देखते हैं कि जी मेरी इतनी बड़ी सोसाइटी में बेइज्जती हो गई है, उस चीज़ का बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रिपेयर किया, तैयार किया आप कह सकते हो अपने गुरुकुल में, और चंद्रगुप्त मौर्य को एज अ वेपन इस्तेमाल करते हैं धनानंद के खिलाफ। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपनी एक छोटी सी आप कह सकते हो अपनी आर्मी तैयार करके जो है धनानंद पे अटैक करता है, और धनानंद को मार के नेक्स्ट अपना एम्पायर शुरू करता है। लेकिन इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है स्टूडेंट्स। लगभग 326 BC में अलेक्जेंडर भारत आया था। कौन आया था जी? अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर भी कहा जाता है। तो सिकंदर भारत कब आया था? लगभग 326 BC की बात है। 326 बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 326 वर्ष पहले भारत आ चुका होता है। कौन? सिकंदर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब सिकंदर जो है उसने पूरी दुनिया पे कहता जी मैं पूरी दुनिया को जीत के रहूंगा। लगभग लगभग पूरी दुनिया पे उसने जीत भी लिया था। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जब वो इंडिया आता है, इंडिया एंटर करने वाला होता है लेकिन वो इंडिया एंटर नहीं करता, वो जेहलम नदी के किनारे से ही, जेहलम नदी, रिवर ऑफ द बैंक ऑफ रिवर, वहीं से ही जेहलम नदी के किनारे से ही वापस अपनी आर्मी को वापस ले जाता है यूरोप को। कहता है जी चलो वापस इंडिया में एंटर करना मुश्किल है। उसके पीछे एक दो कुछ कारण थे, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले हम थोड़ा सिकंदर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, जो सिकंदर था वो इंडिया जब एंटर करता है, बेसिकली अगर मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दूं, एक छोटा सा मैं आपको रफ स्केच डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एक रफ डायग्राम है। उस टाइम पे कोई प्रॉपर इंडिया का मैप नहीं था बेसिकली। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो अफगानिस्तान वाला रीजन, पाकिस्तान वाला रीजन, ये सारा तब इंडिया ही हुआ करता था। ठीक है, और यहाँ पर सेंट्रल एशिया, मैसेडोनिया से जो है सिकंदर भारत आता है। ठीक है, जो सिकंदर था वो भारत आया था मैसेडोनिया से। मैसेडोनिया से जब वो इंडिया एंटर करता है तो इस पंजाब साइड में जो है रूल कर रहा होता है, राज कर रहा होता है कौन? पोरस। स्टूडेंट्स, पंजाब साइड का जो राजा होता है वो था राजा पोरस। जब पोरस को पता चलता है कि सिकंदर भारत आने वाला है तो पोरस अपनी आर्मी के साथ डट जाता है वॉर के लिए। पोरस और सिकंदर के बीच में बैटल हुई थी स्टूडेंट्स, ये बैटल का क्वेश्चन आ सकता है, बैटल ऑफ हाइडस पास, बैटल ऑफ हाइडस पास, जेहलम नदी के किनारे। ठीक है जी, बैटल ऑफ हाइडस पास, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया बहुत बार, कि ये बैटल ऑफ हाइडस पास किसके किसके बीच में हुई थी? सिकंदर, या आप कह सकते हो अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में, सिकंदर एंड पोरस के बीच में। तो पोरस इस बैटल में स्टूडेंट्स हार जाता है,
ओरस बहुत बड़ा रूलर नहीं था, बहुत छोटा ही रूलर था। सिकंदर के पास बहुत बड़ी लार्जेस्ट आर्मी थी, भारत पे हमला करने आया था इतनी बड़ी सेना लेके। तो पोरस बहुत ब्रेवरी से, बहुत हिम्मत से लड़ता है बैटल को, लेकिन इस बैटल को हार जाता है। फिर सिकंदर जाते समय पोरस का राजपाट उसे वापस कर गया था, कहता जी जो भी है ये, मतलब मेरी इतनी बड़ी आर्मी के आगे अपनी छोटी सी आर्मी के साथ बहुत ब्रेवरी लड़ा, ठीक है। जाते समय उसका राजपाट सब उसको वापस करके जाता है। लेकिन जैसे ही सिकंदर की सेना जो है, अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, वो जेहलम नदी के पास पहुंचती है, तो जेहलम का उस टाइम पर बरसातों के कारण आप कह सकते हो नदियों का फ्लो जो है तेज़ हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो उसकी आर्मी को कुछ समय के लिए वहाँ पर वेट करना पड़ा। जब तक उसने वेट किया तब तक उसके कुछ गुप्तचरों ने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली कि इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर जो है वो रूल कर रहा है, उसका नाम धनानंद है, और उसके पास हमसे भी ज़्यादा डबल आर्मी है, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, और अच्छी स्टैंडिंग आर्मी है, प्लस उसके पास नेवल आर्मी भी थी। सिकंदर हैरान हो जाता है, कहते जी इतनी बड़ी मतलब स्टेट को, सॉवरेन स्टेट को चला रहा है एक रूलर। तो वहाँ से सिकंदर की आर्मी खुद मना कर देती है कि हम आगे इंडिया नहीं जा सकते। एक तो कारण था कि जेहलम का जो नदी का जो फ्लो है वो इंक्रीज़ हो गया था। सिकंदर के कुछ जो आर्मी के पर्सन थे, जो सैनिक थे, वो उस नदी में ही बह गए थे रिवर क्रॉस करने के चक्कर में। मतलब कि रिवर क्रॉस करने को उसने कहा कि तैर के करो अब क्रॉस, तो कुछ सैनिक जब बह गए तो बाकियों ने कह दिया इतने तेज फ्लो में हम नहीं क्रॉस कर सकते, उन्होंने मना कर दिया। सेकेंड थिंग, जब उसको अपने कुछ गुप्तचरों से, जो स्पाई होते हैं आर्मी में, उनसे जब खबर मिलती है कि ऑलरेडी इंडिया में बहुत बड़ा सॉवरेन रूल चल रहा है, बहुत बड़ी डायनेस्टी चल रही है धनानंद की, जिसके पास लार्जेस्ट आर्मी है, तो अब हम इंडिया में नहीं एंटर करेंगे। तो यहीं से ही जो है सिकंदर वापस हो गया था मैसेडोनिया को। रास्ते में जाते समय उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर जो है जाते समय, वापस जाते समय अपने ही घोड़े से गिर के बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। बाद में अपने घोड़े से गिरता है, फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फिर उसकी डेथ हो गई थी। तो ऐसे जाते समय, इंडिया से वापस जाते समय बेबीलोन में, ठीक है, रशिया के पास जगह का नाम है, ये एग्ज़ाम में खैर नहीं पूछा जाएगा, जस्ट आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा वो ये क्वेश्चन है, बैटल ऑफ हाइडस पास। बैटल ऑफ हाइडस पास किसके किसके बीच में हुई थी? बिटवीन पोरस एंड अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर ने चाहा था कि भारत को जीतूं, लेकिन वो भारत एंटर नहीं कर सका, इंडिया में एंटर नहीं कर सका। तो धनानंद सबसे बड़ा कारण था। जब धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया, धनानंद को उसके पद से गिरा दिया, रूलर बनता है खुद, तो सारी की सारी आर्मी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है फिर चंद्रगुप्त खुद संभालता है। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के पास भी अपने टाइम पे लार्जेस्ट आर्मी हुआ करती थी, ठीक है जी। तो आई होप स्टूडेंट्स।